जीजा जी, आप वकील ठकराल से मिलने गए थे? गीता, सब जानते हैं कि आशा निर्दोष है, लेकिन केस इतना उलझा हुआ कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। गॉड नोज अब क्या होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे मिला जाए। मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता है मिस गीता, अरुण वर्मा छोटे केस नहीं लेता। मगर अरुण वर्मा साहब, मेरी दीदी निर्दोष है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर आप मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अदालत में यह साबित नहीं किया जा सकता। ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब ना हो तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फायदा, यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस गीता श्रीवास्तव, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुण वर्मा। अगर कोई मासूम, कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए, मगर आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से और अपनी कामयाबी से। मिस गीता श्रीवास्तव, इस फाइल को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि डॉक्टर आशा माथुरे जैसी बेईमान और करप्ट डॉक्टर है जिसने अपने मरीज को जानबूझकर जहर दिया, मगर आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर चिल्लाने को तैयार है कि आपकी बहन मासूम है, निर्दोष है। हाँ हाँ, वो निर्दोष है। सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अगर है तो लाइए, मैं सुनने को तैयार हूं, लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते हुए झूठे वो भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलकर कोई खुशी हुई। गुड बाय मिस्टर अरुण वर्मा। डॉक्टर आशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूं। आपको आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है? आपकी छोटी बहन मेरे पास आई थी। मिसेस माथुर, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन डॉक्टर माथुर पूना गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। हेलो हेलो डॉक्टर आशा, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे नेस्ट्रोल 500 दे दो। डॉक्टर आशा, नेस्ट्रोल 500 तो हमारे स्टॉक में है ही नहीं। अच्छा मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। टेम्परेचर 142 240। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर कहाँ? अपने कैबिन में। अच्छा डॉक्टर, इनकी नब्ज बंद हो गई है। क्या जी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। दवा में जहर किसने मिलाया, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर माथुर, मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा मैं फिर आऊंगा। जगा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को वही दवा पिलाई हो जो वो घर से लेकर आई थी। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर ने हॉस्पिटल में वही जहरीली दवा पी जो टोनी ने आशा माथुर के बैग में प्लांट की। देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो,
बल्कि अपना अंकल समझकर बताओ कि वो दवा की शीशी के बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदल ली? अंकल, दामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसका मुंह बंद रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उस रात मैं एक इलेक्ट्रिशियन के बेस में हॉस्पिटल में मौजूद था। और वही दवा डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को पिला दी। अगर यह बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। आशा माथुर को दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता, क्योंकि दवा में जहर है। इट्स ए क्लियर एविडेंस। डॉक्टर माथुर, इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, बहुत कम, ऑलमोस्ट निल। हाँ, एक बात है, अगर जहर को खून में शामिल होने से पहले स्टमक से निकाल दिया जाए तो कुछ। और ये जहर खून में कितनी देर में शामिल हो जाता है? 2 मिनट लग सकते हैं और कभी कभी 2 घंटे भी। फिर आदमी के बचने का कोई चांस नहीं? नो चांस एट ऑल। सुना है ठकराल ने यह केस लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि कोई वकील ये केस जीत ही नहीं सकता। मैं जीतूंगा। मैं लॉर्ड, तमाम सबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में यह बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथुर ने ही दामोदर प्रसाद का खून किया, और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथुर दामोदर प्रसाद के वास्ते लाई थी इस वक्त अदालत में मौजूद है, और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं खतरनाक जहर है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। वकीले सफाई, मुलजिमा डॉक्टर आशा माथुर की तरफ से आप अपने गवाह और सफाई पेश कर सकते हैं। यस योर ऑनर। अरे सुनो माय लॉर्ड, ये सच है कि दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए खास गवाह बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, और यह भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर हॉस्पिटल गई थी, और यह भी सच है कि इस दवा के पीने के 1 मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया। लेकिन इन तमाम बातों से यह साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है, और मैं कहता हूं ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। वकील सफाई भूल रहे हैं कि यही इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो यह साबित करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है? जी हां, इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है माय लॉर्ड, जो कहती है इसमें जहर। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को छुटलाता हूं। इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, सिर्फ दवा जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा आपके पास मिस्टर वर्मा, इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है? जी हां, सबूत और गवाह दोनों मैं हूं, सिर्फ मैं। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। ये दवा है या जहर, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता? थैंक यू मिस्टर रावल।
अदालत समझती है कि ये बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर प्रसाद का खून किया है और प्रोसिक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के झूठे होने की गुंजाइश है, इसलिए ये अदालत डॉक्टर आशा माथुर को बाइज्जत रिहा करती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वर्मा। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वर्मा। कांग्रेचुलेशंस वर्मा जी। सब कैसे हैं? ठीक है, अभी तक तो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है। जहर बहुत फैल गया था, थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आशा, मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक केस जीतने के लिए? नहीं, उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोष है और उन्होंने कहा था कि निर्दोष को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते। ये कुछ अलग ही आदमी है।